तो दोस्तों हम अभी रितेश देशमुख सर के घर पे आ चुके हैं, तो पीछे आप घर देख सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रितेश देशमुख का घर, मतलब कि जो बॉलीवुड स्टार है, कॉमेडी स्टार है, जिनके मराठी में भी कुछ मूवी है, जैसे कि ले भारी एक सुपरहिट उनकी मूवी थी। दोस्तों हम जा रहे हैं रितेश देशमुख के घर। तो दोस्तों जैसे हमारा नॉर्मल घर होता है, उससे भी कुछ अलग टाइप का उनका घर है, हमने देखा है इस वीडियो के जरिए, हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं औरा शाहजानी टू लातूर। तो लातूर से 4-5 किलोमीटर में ही उनका गांव है, तो लगभग हमें 80 किलोमीटर का रास्ता अभी नापना है। तो हम सीधा बाभड़ गांव, उनके गांव का जो नाम है बाभड़ गांव, तो बाभड़ गांव में जाएंगे और उनका गांव किस तरह का है, उनका घर कैसा है, हम इस वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। आओ मी लातूरचा, मी मराठवाड्याचा, माझा जन्म इथलाच आणि माझा शेवट इथंच होणार। तो दोस्तों रास्तों के दोनों तरफ आपको इस तरीके से खेत दिखाई देंगे। तो दोस्तों लातूर में मेन जो क्रॉप है यहाँ का वो है सोयाबीन। तो दोस्तों हमें अभी 30 किलोमीटर अंतर नापना है, लेकिन बहुत ही घने बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो लगता है कि बारिश आएगी। तो देखते क्या होगा। तो दोस्तों जिस तरह से हमने सोचा था उस तरीके से अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बहुत जोरों की बारिश यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। और अभी हम यहाँ पर रुके हैं, थोड़ी देर में ही बाभड़ गांव आने वाला है हमारा, तो ही बारिश स्टार्ट हो गई। देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ भी यहाँ पर ठहरे हैं। तो दोस्तों बारिश बंद होने के बाद हम निकल चुके हैं। तो यहाँ पर पीछे बहुत सारी बारिश थी, लेकिन यहाँ पर एक बूंद भी यहाँ पर बारिश नहीं हुई। आप देख सकते हो रास्ता क्लियर है पूरा। तो दोस्तों हम बाभड़ गांव के पास आ चुके हैं, और ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ये है मिल्क डेयरी, जो कि रितेश देशमुख सर की है, मतलब कि विलासराव जी देशमुख। उसी के साथ जो आसपास का जो भी खेत है वो सभी विलासराव जी देशमुख सर का ही है। तो इसके बाद हम गांव में एंटर करेंगे और आपको दिखेंगे गाँव कैसा है और घर कैसा। दोस्तों अभी हम जो है बाभड़ गांव में आ चुके हैं, तो आप पीछे यहाँ पर देख सकते हो गाँव। तो दोस्तों यही वह लातूर में का एक गांव है, महाराष्ट्र का एक गांव है, जहां से एक लड़का सीधा बॉलीवुड में एंट्री मारता है। तो दोस्तों यही वो गांव है जहां पर रितेश देशमुख सर का जन्म हुआ था, यहीं पर उनका जो बचपन बीता था। तो दोस्तों यहां से एक रास्ता है जो सीधा आपको उनकी घर की तरफ ले जाएगा। तो दोस्तों सामने हमें एक बैनर दिखाई दे रहा है, वह है रितेश देशमुख के पिता विलासराव जी देशमुख सर। तो दोस्तों यह वो रास्ता है जो सीधा आपको रितेश भैया के घर को ले जाएगा। तो आप गांव देख सकते हो, जैसे नॉर्मल गांव होते हैं महाराष्ट्र के, उसी तरह से एक नॉर्मल सा गांव यहां का, उसी गांव में रितेश भैया का जन्म हुआ था। तो दोस्तों हमें मंदिर यह सब कुछ एकदम गांव की तरफ यहां पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो एक सामने यहाँ पर मंदिर है। तो दोस्तों ये वाला मंदिर है, इस मंदिर के फ्रंट को ही उनका घर है। उसी के साथ यहाँ पर देख सकते हो 2-3 मंदिर एक ही जगह आपको दिखाई देंगे। उसी के साथ यहाँ पर जो ग्राम पंचायत होता है वह है, सोसाइटी है। तो यहाँ पर ठीक से मैं आपको दिखाता हूँ ग्राम पंचायत किस तरह से, तो देख सकते हो ग्राम पंचायत कार्यालय बाभड़ गांव। तो चलिए आगे बढ़ते यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पर लगता है कि रास्ते का काम हो रहा है, रास्ता बन रहा है। तो चलिए आगे, घर तक तो बाइक हमारी जाती है घर तक, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो रास्ते का काम हो रहा है, तो बाइक यहाँ पर पार्क करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीधा आपको सामने एक किले के टाइप दिखाई दे रहा होगा, वही है घर, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का घर है। दोस्तों इस साइड से अगर देखोगे तो लगता है कि किला है, ये पूरा ये साइड वाल है, यहाँ से लेकर बहुत ही बड़ा घर है। घर के पूरे चारों तरफ से मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से, अगर अंदर जाने की परमिशन मिली तो अंदर भी जाकर हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये पूरा घर
जो पत्थर होते हैं, पत्थर से बनाया गया है साइड वॉल। ऐसे फर्स्ट टाइम देखने पर घर तो नहीं लगेगा, एक किला है ऐसे ही आपको लगेगा। तो दोस्तों ये जो है मेन गेट यहाँ का, सामने से कुछ इस तरह से घर है। तो दोस्तों हम अभी रितेश देशमुख सर के घर पे आ चुके हैं, तो पीछे आप घर देख सकते हो। दोस्तों अंदर जाने की परमिशन हमें मिलेगी या नहीं देखेंगे, लेकिन आपको हम थोड़ा सिनेमैटिक व्यू दिखाएंगे किस तरह से घर है, चारों तरफ से किस तरह से दिखता है आपको दिखाएंगे, तो देखते बने। तो दोस्तों घर में जाने की परमिशन नहीं, कोई भी घर में जा सकता है लेकिन घर के अंदर शूट करने की परमिशन नहीं है। तो दोस्तों मैं बाहर से आपको चारों तरफ से दिखाऊंगा कि घर किस तरह से बना गया है, घर के पीछे से भी आपको दिखाएंगे कि घर किस तरह से बनाया गया है। तो दोस्तों अगर आप कभी इधर आओ तो घर के अंदर जा सकते हो, उसी के साथ अंदर जाकर बैठने की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप जाने के बाद आपको पानी वगैरह क्या है सब कुछ पूछेंगे, आप जितना देर चाहो उतना बैठ सकते हो, लेकिन आपको किसी भी तरह का कैमरा फ़ोटो खींचने की वहाँ परमिशन नहीं है। अगर आपको करना है तो आपको पहले से ही अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो हम अभी बैक साइड जा रहे हैं घर के, बैक साइड से किस तरह से घर दिखेगा। तो ये पूरा जो वाइट कलर का है, ये पूरा साइड वॉल है घर को, पूरा साइड से इस तरह से वॉल बनाया गया है। और यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो, दोस्तों घर से कुछ ही दूरी पर आपको ये प्लेस दिखाई देगा। तो यह प्लेस क्या है? तो दोस्तों यह जगह है रितेश देशमुख के पिता स्वर्गीय विलासराव जी देशमुख सर, इनकी यहाँ अंत्यविधि की गई थी। तो दोस्तों यही वहाँ प्लेस है। तो दोस्तों अभी अंदर काम चल रहा है, इस वजह से पूरी तरह से यह बंद है। दोस्तों हमने आपको जितना हुआ उतना रितेश देशमुख का घर दिखाया। तो दोस्तों आपको, आप खुद अगर अकेले आते हो यहाँ पर तो अंदर जा सकते हो, लेकिन अंदर जाकर शूटिंग करने की परमिशन नहीं है। जैसे कि हमने वहाँ पर पूछा, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो हमारा वो ऐसा कुछ नहीं था। हम रैंडमली लातूर के लिए आए थे, तो साइड में वो गाँव है तो वहाँ से हम आए। दोस्तों अंदर जाकर हमने वहाँ पर पूछा कि अंदर हम शूटिंग कर सकते हैं या नहीं वॉचमैन है वहाँ पर, लेकिन उन्होंने बताया कि अंदर जा सकते हो, ठहर सकते हो, अगर आप आए तो बैठ भी सकते हो, पानी वगैरह पी सकते हो, लेकिन आप अंदर जाकर किसी भी तरह का फुटेज नहीं ले सकते। फ़ोटो शूट करने के लिए वहाँ परमिशन नहीं है, किसी भी तरह का क्लिप आप वहाँ पर ले नहीं सकते। तो हमने अंदर से हमने खुद ने देखा, लेकिन आपको इस वीडियो के थ्रू नहीं बता पाए। दोस्तों अगर चांस मिलेगा अंदर अपॉइंटमेंट लेकर हम अंदर से किस तरह से घर है आपको जल्दी दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।